हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बहुत टाइप्स के यहाँ पर प्लान चल रहे हैं। बहुत तरह की कंपनी और डेली नई नई कंपनी आ रही हैं, बहुत सारी आती जाती हैं, बंद भी हो रही हैं। और हो सकता है एक एक मतलब वही कंपनी के लोग नई नई कंपनी चालू करते हैं, वही बंद करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन रियल है कौन फेक है, ये सब बहुत सारी जानकारी। लेकिन जिन लोगों ने लॉस किया होगा उन लोगों को पता होगा कि किस तरह की कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर सकती हैं आगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनी शामिल हैं। ठीक उसमें, ठीक है। तो आप अगर पैसे लगा के बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई एमएलएम प्लान करना चाहते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर सोच लें। अगर आप $10 लगाते हैं वो लॉस जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये इस तरह की कंपनी हमें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मनी रोटेशन वाली, जैसे ऑटो पोल इनकम वाली है, मैट्रिक्स प्लान वाली है और फिक्स मनी वाली है, 1500 में, 32 लाख, 1500 में, 8 करोड़, कोई प्रोडक्ट उनका नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको लॉस हो सकता है। इसके बाद में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। मनी रोटेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बाइनरी प्लान, सिंगल प्लान, आईडी अपग्रेड और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो चल रही है और ये बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लान किया है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग बंद होती है वैसे ही आपकी इनकम बंद हो जाती है और कंपनी भी बंद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की कंपनी नहीं चल सकती। मतलब कोई भी मनी रोटेशन अगर करती है कंपनी, तो वो जल्दी बंद हो जाएगी, उसका ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है कि इसमें फ्यूचर है तो जुड़े रहिए, लोगों को भी जोड़िए, खुद भी बर्बाद। लोग इसमें जो पहले ज्वाइन हो गया वही कमाएगा, लेकिन जो बाद में ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी कंपनियां जो ये कहती हैं कि अगर आपने 2 ज्वाइनिंग नहीं लगाई, 4 ज्वाइनिंग नहीं लगाई, तो आप उसमें से कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई लास्ट में ज्वाइन होगा और उसको अगर 4 लोग, 2 लोग, 1 लोग नहीं मिला, तो उसका पैसा सारा बर्बाद जाएगा और उसका सारा क्रेडिट जाएगा जिसने उसको रेफ़र किया है। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको रेफ़र किया है उसमें प्री आईपीओ शेयर होगा, या फिर कोई कॉइन होगा, या फिर कोई फ्री का कॉइन होगा, या फिर ऐसा तो कोई होगा ही नहीं कि उसमें ये बताया गया हो कि आप इसमें टॉपअप कीजिए, फिर 2 लोगों को ज़रूर लगाइए। ठीक है, इस तरह की मैंने कंपनियों को बंद कर दिया और ये नहीं कहा कि आप लोग इसमें पढ़ें, इस कंपनी को करें। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप रिस्क लेने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर करें। ठीक है, तो इस तरह के जो मैंने बताया कि 1500 में कोई भी 32 लाख कंपनी नहीं दे सकती है, अगर जो आप ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसे ही, ठीक है, 1500, और फिर ये अगर कोई किसी की लॉटरी भी कहीं लगती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से 1-2 लोग की लग जाती है। उसी प्रकार से रमी शेयर सर्कल है, लूडो है, आप जो जो पेपर खेलते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। आप जैसे आपके सामने कोई कंप्यूटर है और उसके साथ आप गेम खेलते हैं, उसमें पैसा आता है, तो उसमें ऐसी सेटिंग होती है कि आप समझ रहे हैं ये सामने है कोई कोई मनुष्य है खेल रहा होगा, लेकिन वो कंप्यूटर होता है, ऐसी स्क्रीन होती है। आप उसमें खेलते जाएंगे, पैसे लगाते जाएंगे, 10, 20, 50, 100, और वो आपके सब लॉस में जाएंगे, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला वही है आप अगर कहीं पर काम करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो अभी लोग कह रहे हैं कि सर ऐसी कॉइन में क्या हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब कोई अपडेट आती है तभी मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई फालतू में वीडियो आपको नहीं देता हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाते जाओ मैं देखता जाऊँगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखते जाइए, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं अटलांटिस एक्सचेंज पर, और वहाँ पर मैंने हर अपडेट को अपडेट दिया। जब भी कोई अपडेट आती है मैं ज़रूर देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवाईसी के लिए पिछली बार मैंने पिछले वीडियो में बताया था, केवाईसी आप ज़रूर कर लें, अगर केवाईसी नहीं करते हैं तो उसी तरह से हाल होगा। 2017 में एक कंपनी आई थी और उसने बताया गया था सभी लोग केवाईसी कर लें क्योंकि विड्रॉ जल्दी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन लोगों ने केवाईसी नहीं किया है। जब तक केवाईसी किया तब तक वहाँ से क्या जो एक्सचेंज था वो बंद हो गया और वहाँ से उन लोगों का जो विड्रॉ था वो नहीं मिला। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जब आप केवाईसी बिल्कुल तैयार करके अपनी तैयारी तो फुल रखिए, अगर बाई चांस अगर कोई भी कंपनी कोई भी एक्सचेंज अगर विड्रॉ देता है तो आपकी केवाईसी ही नहीं है, तो वहाँ से कैसे मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि केवाईसी कर दूंगा तो कंपनी हमारे बैंक से कहीं पैसे ना निकाल ले, तो यहाँ पर बैंक का ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मैंने बताया अभी जो जिन लोगों के एसी कॉइन दूसरे एक्सचेंज पर पड़े हुए हैं, तो वो लोग अपने एसी को अटलांटिस एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर लें, ताकि यहाँ पर आपको पुराने एसी के बदले में नए एसी मिल जाएं। ठीक
है। अब आप नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है, आपको रिस्क लेने के शौकीन है तो कोई बात नहीं है। तो ये जो लास्ट डे देगी अगस्त 2022 यानी एंड ऑफ अगस्त 2022 तक यदि आपने अपने ओल्ड एसी को एल्ड एसी में नहीं, ओल्ड एसी में नहीं कन्वर्ट किया है तो आपका ही लॉस होगा। और कन्वर्ट कैसे करना है, टेस्ट वॉलेट में आपका पड़ा हुआ है तो वहीं पर कन्वर्ट नहीं होगा, उसको आपको यहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये नियम ऐसे क्यों बनाया, ऐसे माइग्रेट क्यों कर दिया, तो वो इसलिए किया गया कि बहुत सारे लोगों ने एसी को सस्ते में ख़रीदा और एक्सचेंज बार बार वार्निंग दे रहा था ग्रुप्स में कि आप अपने एसी को सस्ते में मत सेल कीजिए, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, सस्ते में सेल करते गए, इसीलिए उन्होंने माइग्रेट कर दिया। अब आपको जग मार के अटलांटिस एक्सचेंज पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर नहीं डिपॉजिट करते हैं तो आपका ही लॉस होगा। अब नए एसी वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल गए हैं, वो अगर मान लीजिए 50 रुपये का एक एसी खरीदेंगे तो आप 40 का तो बेचेंगे नहीं, अगर आपको 40 में ही बेचना है, फ्री में देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर महंगा खरीदेंगे तो महंगे में ही सेल करना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से अभी जो डॉगी कॉइन का रेट चल रहा है, जिन लोगों ने 60 रुपये का लिया था वो अब 50 रुपये का तो सेल नहीं करेंगे, अगर 50 रुपये का सेल करेंगे तो उनका ही लॉस होगा। इसीलिए जब डॉगी कॉइन का रेट बढ़ जाएगा तभी उस जैसे मान लीजिए 65 है 70 80 तभी आप सेल करेंगे ना, या तो फिर आप वेट करें, ऐसा ही होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप अपने बैलेंस अपने बैंक में बैलेंस बनाकर चलें, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से आप अपडेट रहें, वहाँ से आप, क्योंकि अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो आप आधा ही इन्वेस्ट करें, आधा अपने पास बचा कर रखें, पूरा का पूरा इन्वेस्ट ना करें, कहीं आपके पास दाल चावल के लिए भी कमी पड़ जाए। ठीक है, तो और जिनके पास एसी या एटीसी पड़ा हुआ है, होल्ड किए हुए हैं अपने अटलांटिस एक्सचेंज पर, तो उसको आप लिक्विडिटी में लगा दीजिए, ताकि वहाँ से आपको पर मंथ वहाँ पर जो ब्याज है वो मिलता रहे आपको। ठीक है, आप अगर ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो भी आपको वहाँ से ब्याज मिलता रहेगा, 1 साल के लिए लगा दीजिए, इसके बाद में जैसे ट्रेडिंग शुरू हो जाए वैसे ही आप वहाँ से हटा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ का ऑप्शन सितंबर में लॉन्च होना है, लेकिन एक्सचेंज ने यह भी कहा है कि जब तक ये ऐसी कॉइन डिपॉजिट नहीं हुए तब तक वो नहीं देगा, लेकिन अगर डिपॉजिट हो भी जाएंगे उसके 1 महीने बाद ऐसी को आप विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो अपनी केवाईसी कर लें और अपने जो भी टीम में है उनका भी केवाईसी करवा दें, और बहुत ही अच्छा प्लान है, मतलब ये प्लान नहीं है एक्सचेंज है, ठीक है, ये कोई एमलम प्लान नहीं है, बस एमलम प्लान यहाँ पर हर जगह है, बाइनेंस में भी यदि आप किसी को रेफ़र करते हैं तो वहाँ से आपको जब वो ट्रेडिंग करता है तो उसमें आपको जनरेट होता है कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। आप अगर किसी को वजीरे रेफ़र करते हैं तो वो बंदा अगर आपके डाउन में ट्रेडिंग करता है तो उसका आपको परसेंटेज मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे एक्सचेंज हैं जिन्होंने 1 लेवल 2 लेवल 3 4 5 10 लेवल तक इनकम जनरेट का उन्होंने प्लान लॉन्च किया है। अगर जिन लोगों ने जिस एक्सचेंज ने प्लान लॉन्च नहीं किया है वो ज़्यादा चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेम सेम चीज़ अगर होगी किसी एक्सचेंज पर तो वो एक्सचेंज क्यों यूज करेगा। ठीक है, बाइनेंस ही नहीं यूज करेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपके पास एसी और एवीटीसी तरह के हैं तो उनको बचा कर रखिए, सस्ते में सेल मत कीजिए और भरोसा रखिए सबको प्रॉफिट होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।